ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर महादेव। बहुत सारी चीजें आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीएचओ काउंसलिंग पीजी 2024 के लिए हम लोग वीडियो लेकर आ गए हैं। और इस वीडियो की खास बात यह है कि एक वीडियो देखो यूट्यूब पे, दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग इसमें डिटेल में और प्रॉपर वे में, ऑफिशियल और अनऑफिशियल एज अ सजेशन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्त को भी शेयर करें, जिससे उसे ही पता चल जाए कि बीएचयू की काउंसलिंग अपडेटेड वर्जन में, यानी जो नए रूल्स रेगुलेशन है 2024 ब्रोचर के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, तमाम से। और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फॉर्म में कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, जो मेरा एक नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि आप लोग गलती जो की हो उसमें सुधार कैसे करना है, तमाम चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो वो मिस ना हो सके। होता है ना कि आप लोग जब कोई काम कर रहे होते हो तो आपको कोई एक मेंटर या कोई गाइडर या काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो आप यूं समझ लो कि 2024 में आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान से जुड़े हुए हो, एक ऐसे इंसान के को फॉलो कर रहे हो। टाइप्स ऑफ नॉट फॉलोइंग, बट कहना पड़ रहा है फॉलोइंग के मेथड में कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, कि हाँ इनको फॉलो करने से आपकी काउंसलिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, किसी प्रकार कोई एरर नहीं होगा, अगर और ये ऑफिस लेवल पे आपकी हेल्प भी कर पाएंगे। और ऐसा होता है, मैं लोगों की मदद करता भी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस बार बीएचयू पीजी काउंसलिंग 2024 के लिए, ठीक है। ध्यान देना कि ये पीजी का है, अभी ये डिटेल जितनी भी है पीजी के लिए है और अपडेटेड है, यानी न्यू ब्रोचर के अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम लोग काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि पहले वो कंप्लीट प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। आपने क्या किया, सीयूटी का एग्जाम दिया, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम दिया, और उसके बाद आप बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है, बीएचयू के पोर्टल पे जाके, जो कि स्टार्ट हो चुका है, bhusamarth.ac.in पे जाके आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस काउंसलिंग में जो जो चीजें भरनी है वो चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस के ये पूरे सब एलिमेंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे स्टार्टेड है, ठीक है। प्रिफरेंस इंट्री टॉक टू वेलो, यानी कि हम लोग यहाँ पे प्रिफरेंस कैसे देखेंगे, टू टाइप से देखेंगे। एक तो हम लोग यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम लोग कैसे देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, कोर्स के अकॉर्डिंग। कैसे, एफिलेटेड कॉलेजेस में मैं ऑलरेडी एक वीडियो दिया था कि आपके जो प्रेफरेंस होने चाहिए एफिलेटेड कॉलेजेस के, वो कैसे होने चाहिए, तो वो होने चाहिए, एक तो हम लोग का डीएमसी टॉप पे होना चाहिए, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। उसके बाद अगर वो कोर्स एमएमबी में है तो एमएमबी में होना चाहिए, ठीक है, और वो कोर्स अगर उसके बाद भी है तो किस में होना चाहिए, VCW होना चाहिए हमारा टॉप पे, VKM होना चाहिए टॉप पे, ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास AMPG होना चाहिए, ठीक है, AMPG, ये कुछ प्रेफरेंस होना चाहिए। इसी बीच में हम लोग कहीं पे DAV को डालेंगे, चूंकि DAV भी को एडेड है, DAV क्या है, को एडेड है। ये बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हूं, जो कि आपको जाकर यूट्यूब पे एफिलेटेड कॉलेजेस की प्रेफरेंस से देखना है, ये आप लोग फॉर्म भरते वक्त ध्यान दोगे। कोर्स वाइज में क्या डिस्कस किया, कोर्स वाइज ये कि एक बच्चा बीएचयू में कई सारे कोर्सेज डाल सकता है, ऐसा होगा, जैसे आप लोग एक अपना कोर्स सब्जेक्ट्स लेके चल रहे होंगे, सपोज एक बच्चा एमए हिस्ट्री के लिए डाला होगा और ऑप्शन के तौर पे क्या डाला होगा कि अरे यार हम लोग ना एमबीए भी ट्राई कर ही सकते हैं, या एमए इकोनॉमिक्स डाला होगा और साइड में एमबीए के लिए भी ट्राई कर रहा होगा, तो उसका भी यहाँ पे प्रिफरेंस होना चाहिए। प्रिफरेंस का मतलब ये है कि माइंड में, ये ऑफिशियल वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको एक बार वो लोग पहले एमए इकोनॉमिक्स देंगे और फिर आपको एमबीए देंगे, ऐसा नहीं है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपका कोर्स एलोकेशन आएगा वहां पे ध्यान देना है। एकदम लास्ट स्लाइड पे बता देता हूं आपको, प्लीज इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना कोई बताएगा नहीं, डिटेल में समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने फॉर्म गलत भरा, उन्हें पता नहीं था इसीलिए गलत भरा। ये काउंसलिंग वाला नंबर है, ठीक है, इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लो, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये नंबर जो है 4847100970, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है। सपोज यहाँ पे कोर्स अलोकेशन आपका आया, कोर्स अलोकेशन जो होता है ना इसी का एक पार्ट है काउंसलिंग का, वो आपके इस पूरे प्रोसीजर के बाद जब कट ऑफ आने लगता है तब होता आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स वन में आपको एमए इकोनॉमिक्स सीरियल नंबर वन में क्या मिल गया, एमए इकोनॉमिक्स मिल गया, ठीक है, एमए
इकोनॉमिक्स मिल गया, और यहाँ पे आपका रेगुलर सीट मिल गई सपोज, ठीक है, रेगुलर मिल गई, कहाँ मिली, डीएमसी में मिल गई, डीएमसी में मिला यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में मिला, और आपका जो पेमेंट है कुछ ये है, ठीक है, और यहां से आपको कुछ पेमेंट करना होगा, डन। सेकेंड आप देख रहे हो कि कुछ ही दिन बाद आपको एमबीए का भी मिल गया, किसका मिल गया, एमबीए का, एमबीए का भी मिल गया, और वो कहां मिला, एमबीए के जो भी डिपार्टमेंट है, सपोज की ये रेगुलर सीट ये भी मिल गई, ठीक है, रेगुलर सीट पेड सीट होता है रेगुलर, ये डीएमसी में मिल गया, ठीक है, डीएमसी में मिल गया, और यहाँ पे कुछ पेमेंट वैल्यू है और यहाँ पे पेमेंट करने का मेथड है, ये पहले आया था ये बाद में आया था, यहीं पे इस चीज को समझना है कि जो पहले आया है, सपोज एम इकोनॉमिक्स पहले नंबर पे आया और आपने यहां क्लिक करके पेमेंट कर दिया और ये पेमेंट डन हो गया, ठीक है, यहां पेमेंट आपका डन हो गया, लेकिन जैसे ही सेकंड आता है आप ध्यान देना कि यहां अगर आप पेमेंट करके डन करने की कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली फर्स्ट कोर्स एलोकेशन विल बी कैंसल अगेंस्ट इसके, ये आपको मिल जाएगा, तो अब आप बैक नहीं ले पाओगे, अब आप सोचोगे कि एम इकोनॉमिक्स द्वारा मिल जाए ना, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। एडमिशन रूल ये कहता है कि आपको जो पहले मिला है अगर आप उसे संतुष्ट नहीं हो तभी आप सेकंड आता है तो पेमेंट करिएगा, आपको अगर एमबीए करना है तभी आप इस एमए इकोनॉमिक्स पहले आया है पेमेंट किए हो तब आप इस पे जाओगे, ठीक है, ये मैं काउंसलिंग में आपको समझा दिया। अब हम लोग चलेंगे पेड सीट क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम समझ गए ना, टॉप टू बॉटम मतलब डीएमसी को टॉप पे रखना है नीचे रखना है, कोर्स प्रेफरेंस आप समझ गए होंगे, पेड सीट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, पेड सीट मतलब होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, बीएचयू को आप लोग एक्स्ट्रा मनी देने जा रहे हो, ठीक है, कितना, कुछ कितना, कुछ 10K, 10 to 20K, 10 to 20K, 10 से 20 हजार आप बीएचयू को क्या देने जा रहे हो, एक्स्ट्रा मनी देने जा रहे हो अपने एडमिशन के लिए, लेकिन मैं बताया हूं कि पेड सीट जो होता है विल बी फॉलो मेरिट, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सांसद विधायक के रेफरेंस से आ रहे हो तो आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है बीएचयू में कि सांसद विधायक वाले कोटा से एडमिशन मिलता, बीएचयू अब ओनली सीयूटी के ही रूल्स पर चलता है, सीयूटी दिए हो उसका एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, देन यू विल एडमिशन इन बीएचयू, ठीक है, यू विल टेक एडमिशन इन बीएचयू। यहां पे एक बात मैंने एस या नो इसलिए रखा हुआ है कि आप अगर यस नहीं करोगे पेड सीट में तो आपको बाद में पेड सीट का फॉर्म जो सीट है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पेड सीट यहाँ पे देखो दो प्रकार की सीटें होती हैं, एक तो रेगुलर सीटें होती हैं और दूसरा पेड सीटें होती हैं, ठीक है, पेड सीटें होती हैं, आपका जो कोर्स एलोकेशन आएगा वो रेगुलर पे आएगा और पेड पे आएगा, लेकिन अगर आप पेड में यस नहीं किया, अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहा हो अगर आपने यस नहीं किया है तो आपको बस रेगुलर की ही कॉलिंग आनी होगी। पेड इसलिए लोग टिक करते हैं ना कि कट ऑफ, जैसे मान लो किसी कोर्स का 210 जा रहा है, ठीक है, जनरल का, तो पेड के लिए लगभग ये कितना चला जाएगा, 200 चला जाएगा, पेड के लिए 200 चला जाएगा, ये उसी समय चलता रहता है, उसी प्रोसेस में चलता है, बस यहाँ पे जब आप देखोगे कि 200, अब वो लोग आपको 210 पे ट्राई किए नहीं मिला तो वो लोग पेड पे ट्राई करते हैं, अच्छा 200 पे तो इसको मिल जा रहा है, 210 पे नहीं मिला 200 पे मिल जा रहा है, तो वो लोग आपको पेड से कॉलिंग दे देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए अगर जिनको भी बीएचयू में ही एडमिशन लेना है और वो देख रहा है कि हाँ हमारा मार्क्स कम है, सपोज कि 220 के ऊपर हो गए तब तो मिल ही जाएगा रेगुलर, लेकिन जो लोग 180, 190, 160 वाले एरिया में हो वो लोग पेड में यस कर देना, ठीक है, ये एक चीज मैंने समझा दिया। बाकी आप लोग अगर इस नंबर पे जाके काउंसलिंग कराओगे ना तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो लोग खुद ही आपका फॉर्म भर देंगे और ये टिक कर देंगे कि हाँ पेड सीट इनको भरना है कि नहीं भरना है। हाँ, लेकिन पेड सीट का एक बात ध्यान रखना, पेड सीट पे, ठीक है, ये जो भी पेड सीट बच्चा भरेगा, ठीक है, उसके लिए शायद 700 एक्स्ट्रा पेमेंट बीएचयू लेता है, 700 कुछ ऐसे ही होगा, प्लीज एक बार आप लोग देख लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो तो पेमेंट करने जाओगे तो खुद ही एड ऑन हो जाएगा, बाकी 300 रुपए तो ही है जनरल करते हो ओबीसी और जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस एसटी एससी के लिए 150 ऐसा कुछ होगा, पीडब्ल्यू के लिए 150 होगा, वो सब आप देख लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हॉस्टल, ठीक है, वैसे तो मेरा हॉस्टल का सेपरेट वीडियो आने वाला है, देखो कमिंग वीडियो मेरा क्या क्या है, देखो ये मेरा कमिंग वीडियोज है, कमिंग सून वीडियोज क्या क्या है, हॉस्टल्स और बीएचयू कट ऑफ 2024 अनऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल हम लोग कट ऑफ लेने लेके आने वाले, ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरे कमिंग वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। अब हम लोग हॉस्टल्स, ये मैं इसलिए यहाँ पे लिखा हूं कि अगर कोई बच्चा भूल से भी इस सीयूटी बीएचयू पीजी फॉर्म में, बीएचयू पीजी फॉर्म में नो कर देता है हॉस्टल्स वाले कॉलम में तो जिंदगी में उसे हॉस्टल नहीं मिलेगा, ध्यान देना, आपको हॉस्टल चाहिए बीएचयू का, then you have to click as in BHU PG form, university form में as करना पड़ेगा, और इसको as करने के लिए कोई भी अलग से पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो BHU है ये क्या है, ये हमारे
पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट, सबसे ज्यादा क्या है रेजिडेंस, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। अबाउट यहाँ पे 30% लोगों को हॉस्टल मिलता है, वो भी लगभग 5,000 रुपए में, जो कि बाद में वापस भी हो जाता है। बाकी चीजें मैं स्पेशल जब वीडियो लाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आप यस जरूर टिक कर देना हॉस्टल्स वाले कॉलम में, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं जब हॉस्टल्स वाला वीडियो लाऊंगा तो अच्छे से प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा कि आपका डिस्टेंस कितना मैटर करता है और आपका मार्क्स कितना मैटर करता है हॉस्टल्स के लिए, ठीक है? जैसे कोई आसाम से, कोई सिक्किम से, कोई साउथ के किसी स्टेट से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो इनको क्या प्रॉफिट होने वाला है, और जो बनारस के हम जैसे लोग हैं उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इस समय जो है वो डिमांडिंग है वीडियो, अभी स्पेशल वीडियो में लाने वाला हूँ कि जो लोग गलत भरे हैं और किसी के कहने पर गलत भरे हैं उनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी हमें स्कैन बस चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, चाहे माइग्रेशन हो, चाहे आपके ग्रेड कार्ड हो, चाहे आपका 10वीं 12वीं हो, यूजी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कास्ट हो, डोमेसाइल हो, ये सब बस स्कैंड चाहिए, अभी ओरिजिनल नहीं चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल का ही स्कैन कॉपी चाहिए, या फिर वो कहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो और इसको रिप्लेस कर सकते हो अंडरटेकिंग फॉर्म से, ठीक है? आपके पास अगर अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं है तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑल ऑफिशियल लिंक है, लाइक हेल्प डेस्क यूटी करके एक ज्वाइन कर लो, भी इंस्टा आईडी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाएंगे, उसका प्रिंट आउट करा लेना, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वहां पे अंडरटेकिंग अपलोड कर देना। तो ये ओरिजिनल कब चाहिए? ये ओरिजिनल भाई चाहिए अभी इनडायरेक्ट काउंसलिंग में, अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो इसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर पैनिक मत होना, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है यू कैन अपलोड अंडरटेकिंग, ठीक है? एडिट ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने फॉर्म में लापरवाही कर दी है, जिनके गलत हो गए हैं, बार बार पैनिक है सर एडिट ऑप्शन क्या आएगा, क्या होता है एडिट ऑप्शन? एडिट ऑप्शन मतलब यू कैन एडिट योर BHU-PG फॉर्म अगेन, मतलब आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस होते हैं, ध्यान देना, लिमिटेशंस होते हैं भाई, ये लिमिटेशंस होते हैं, ये नहीं कि आप सब कुछ एडिट कर पाओगे, लेकिन ये BHU के लेवल पे होता है। मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर डॉक्यूमेंट वाली प्रॉब्लम में बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हुई है किसी वीडियो की वजह से, किसी लोग के वीडियो की वजह से, मैं कोशिश करूंगा, सबसे पहले तो यहां से आप मेरे वीडियो देखना शुरू कर दो, दूसरी कोशिश ये करूंगा कि मैं BHU से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये एडिट ऑप्शन लगभग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस के साथ दिया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सेस के साथ, मतलब वो फॉर्म में ज्यादा बदलाव कर सके, लाइक कोर्स भी एड कर सके, ठीक है? वो पेड सीट हॉस्टल में अगर कहीं ना कहीं एसनो नहीं किया है तो वो करने का मौका मिले, ठीक है? और साथ ही साथ ही डॉक्यूमेंट्स वो बदल सके, ये चीजें मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा हो सके। ये कब आता है? ये आता है एंड ऑफ काउंसलिंग में, यानी ये आपकी डेट 25 अगर रखी गई है, ठीक है, 25 में, तो ये तो पहले बात, अभी बढ़ेगा डेट, ये 25 में तो बढ़ेगा, तो मान के चलो कि 27 तक लास्ट में बढ़ेगा, तो 30 तक आप मेरे वीडियोस देखना, मैं बता दूंगा एडिट ऑप्शन कब आएगा, ठीक है? मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना कि एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेट है तब तक आने के चांसेस रहते हैं। मॉपअप और स्पॉट राउंड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ये मॉपअप और स्पॉट राउंड क्या होता है। एक्चुअली BHU में तो इसको मॉपअप बोलते हैं, ठीक है, मॉपअप बोलते हैं, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसी को स्पॉट राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? किसी को स्पॉट राउंड बोलते हैं, ठीक है, कि इसी को क्या बोलते हैं? स्पॉट राउंड बोलते हैं। ध्यान देना, स्पॉट राउंड और मॉपअप राउंड का दोनों एक ही एम होता है, टू फिल रिमेनिंग सीट्स। जो बचे हुए BHU में सीटें होती हैं उन सीटों को पूरा भरने का एक प्रोसेस होता है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एडमिशन बीच बीच में छोड़ते चले जाते हैं और मेरिट किसी किसी कोर्स का डाउन होते चला जाता है, और ऐसे में राउंड पे राउंड आ रहे हैं। अब 11 राउंड 12 राउंड पहुंच गया है तो BHU क्या करता है, ये भाई ये 5 सीट के लिए हम लोग राउंड ला रहे हैं, बच्चा पेमेंट ही नहीं कर रहा है, ऐसा करो जो भी इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, हम लोग उनको सीट दे देंगे, ठीक है? तो ये सबके लिए होता है, ये अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। कब आता है? इंड ऑफ काउंसलिंग में आता है, ठीक है? कब आता है ये इंड ऑफ काउंसलिंग में आता है, ठीक है? इंड ऑफ काउंसलिंग में आता है, काउंसलिंग के लास्ट में आता है, और इसकी एक्स्ट्रा फी होती है, यानी ये फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये अगेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा BHU के पोर्टल पे, इसकी डेट आती है, और इसके माध्यम से कम नंबर के बच्चों का भी एडमिशन के चांसेस बनते हैं, ये मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स कोटा पे।
ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल देंगे, बहुत सारे बच्चे जीडीपीआई देंगे, तमाम से एक ही वीडियो हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटा का जब ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो रहा है तो सभी लोग का कटा खाने लगेगा, लेकिन ये स्पोर्ट्स कोटा जीडीपीआई और ये प्रैक्टिकल वाले बच्चे जो है ना, इनका कट ऑफ नहीं आएगा, इनका कट ऑफ सभी कोर्सेज के एंड में आएगा या बीच में आ सकता है अगर बहुत जल्दी इनका काम हो गया तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग का ना कॉलिंग जाएगा, ठीक है, आप लोग के पास कॉलिंग जाएगा, ठीक है। कैसा कॉलिंग जाएगा, वो जाएगा किस किसके लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, मतलब आपको ग्राउंड पे यहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, एक। और दूसरा जीडीपीआई के लिए कॉलिंग जाएगा, आप अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी में आओगे, ऑफलाइन आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, बीएफए वाले अपनी जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और भी जो प्रैक्टिकल कोर्सेज जैसे परफॉर्मिंग आर्ट में प्रैक्टिकल होता है, डांस वांस, उनको भी आके यहाँ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उनका कॉलिंग जाता है। एक सीट पे कितना जाता है मैं एक मोटी मोटा समझा दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स कोटा में तो जिनके भी सर्टिफिकेट्स करेक्ट हैं बुला लिए जाएंगे, बाकी इन सब लोगों के लिए एक सीट पे यानी सिंगल सीट पे जो कॉलिंग होती है वो लगभग 4 से 5 पे होती है, और ये भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग होती है। एक सीट पे कितना, 4 से 5 लोगों की कॉलिंग, सपोज कि 30 सीटें हैं तो 3 × 5 = 15 यानी 150 लोग की कॉलिंग जाएगी, एक सीट पे 5 या 4 इस तरीके से होता है। तो ये चीजें डिस्कस कर लिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो 9वां नंबर क्या होता है, अब ये सब पूरी चीजें कर ली यानी आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, मैं आपको समझा दिया फॉर्म में ये गलती नहीं करना है, आपका कट ऑफ आता है जब आप लोग ये पूरा फॉर्म भर रहे हो, सपोज कि आपका लगभग इस महीने के 30 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। बीएचयू जो होता है वो 15 दिन तक आपका शांत हो सकता है, 15 दिन के लिए आराम करेगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स पे काम करेगा, वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा, फॉर्म पे वेरिफिकेशन लिख के आने लगेगा ग्रीन कलर में वेरिफिकेशन, जिनका वेरिफिकेशन गलत होगा उनका रेड कलर से आएगा और उनको मेल जाएगा कि ये गलत है इसको फिर से अपलोड करो, ठीक है। उसके बाद जब आप वेरीफाई हो जाओगे तब मेरिट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो जाएगा और जो बच्चे टॉप पे आएंगे उनको ऑफर लेटर जाएगा या कॉल या फिर पेमेंट जाएगा, पेमेंट करने पे उनका एडमिशन हो जाएगा, तो ये हो जाता है। और पेमेंट करने का मतलब है कि उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा, फी ये पैसा पे करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ लोग ऑफलाइन लेकर बैठे रहना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए, ठीक है, नेट बैंकिंग होना चाहिए, ध्यान देना, ये नेट बैंकिंग होना चाहिए। और ये नेट बैंकिंग अगर आप साइबर वाले से कराते हो तो उनका वाईफाई बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये बात की चीजें हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब पेमेंट आने लगेगा तब, जब पेमेंट आपके पोर्टल पे आएगा तब। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि जैसे कुछ लोग बहुत मोटी मोटा कोर्स लेकर चल रहे हैं, जैसे BA LLB, अब वो तो UG कोर्स है, सपोज की MBA ले लो, ठीक है, या एंथ्रोपोलॉजी ले लो, तो इन सब में महंगा, MSW ले लो तो 30-20 हजार रुपए लगता है इसमें, ठीक है। RGS में कुछ जाना चाहते हैं तो महंगा ज्यादा पैसा लगेगा, एफिलेटेड में जाना चाहते हो 10-15 हजार लगेगा, पेड पे आ गए 10 हजार एक्स्ट्रा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट में पैसा रखना, ये मैं बस कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, आपका फीस लगने वाला है, ठीक है, फीस हो गया। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे जैसे ही पेमेंट करते हैं यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। आप सोच रहे हो सर फिर से एडमिट कार्ड, एक्चुअली BHU इसको एडमिट कार्ड बोलता है क्योंकि ये होता है एडमिशन लेटर, लेकिन एडमिट कार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो लेटर आप BHU में लेकर आते हो तो उसी कार्ड से आपको हर जगह प्रवेश मिलता है। प्रवेश मतलब यू कैन इशू योर यूनिवर्सिटी ID, यू कैन मेक योर स्विमिंग ID, यू कैन मेक योर हेल्थ सेंटर जो हेल्थ डायरी होती है वो। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह प्रवेश मिल रहा है इसलिए इसका नाम एडमिट कार्ड है, बाकी हम लोग और यूनिवर्सिटी में इसी को एडमिशन लेटर बोलते हैं। और यही एडमिशन लेटर होता है जिसको हम लोग सेल्फी लेकर अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं कि फाइनली वी आर BHU, ठीक है। तो ये आपके लिए उस दिन वो बड़ा सुनहरा और बड़ा ही शानदार दिन होगा जो मैंने अनुभूति की है वो भी आप कर पाओगे। 12th नंबर मैंने क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल, यही है वो दिन जिस दिन आपको BHU में पहली बार आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो ये चीजें बहुत बात की हैं, लगभग यहां से 1.5 महीने लग जाएंगे या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल होगा, तो कहने का मतलब ये अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स आप बस स्कैन करके या कहीं से स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिए थे वो अब आपके हाथ में होना चाहिए। तो आप मोटी मोटा दिमाग में बैठा लो कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट बहुत दूर है वो 1.5 से 2 महीने में आपके पास होना चाहिए। तो बस मैं ये इसलिए पॉइंट लिखा हूं कि मेंटली प्रिपेयर रहना, और ये डॉक्यूमेंट आप कहीं भी किसी कोपचे में रखे हो तो निकाल लेना या जाके उसको वहां से उठा लाना, ठीक है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन में
ओरिजिनल चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट तो 2 महीने भी नहीं मिल पाएंगे, तो वहां पे भी आपको एक अंडरटेकिंग मिलेगा और उस अंडरटेकिंग को भर के आप 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि चाहिए ही चाहिए उस दिन, जैसे अब कोई यूजी में फेल होके आ गया तो उसका अलग सीन बन जाता है, ठीक है ऐसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो बीएचयू में क्लासेस लगभग मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त जो है आप बीएचयू मना पाओगे, ठीक है, यानी हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो है वो बीएचयू मना पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट डिटेलिंग रहा है जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं। कमिंग वीडियोज मेरा हॉस्टल्स में है, यानी बीएचयू में जिनको हॉस्टल मिलेगा उनको कितना खर्चा आएगा, जिनको बीएचयू में नहीं मिलेगा उनको कितना खर्चा आएगा, तमाम चीजें। लेकिन फिर भी मेरे इसी वीडियो में एक हॉस्टल वाला लिंक है, अभी से आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने हर किसी को ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि जीडीपीआई करना है तो अलग जाओ, हॉस्टल में जाना है तो अलग जाओ, हेल्प डेस्क सीयूटी का तो अलग जाओ, काउंसलिंग वाला घर बैठे काउंसलिंग कराना है तो अलग जाओ, सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप अलग अलग ज्वाइन कर लो, ठीक है। कल रात हाँ ये कटा वीडियो आने वाला है जो कि बहुत ही मेहनत से बनेगा, आप समझ लो कि लगभग 100+ कोर्सेज है बीएचयू में और इस स्क्रीन पे 10 ही लाइन आता है, 10 स्लाइड को समझा पाना, सोचो इतने कम स्लाइड को समझाना कितना समय लग गया, 10 स्लाइड को समझा पाना मेरे लिए कितना कठिन होगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखें जो मेरा आने वाला वीडियो है, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट जरूर दें। इस बार हम लोग जैसे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आप मेरे लिए भी एक टारगेट कर लो कि हाँ बीएचयू पाठशाला का भी हम लोग ये 100K जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज एज अ सपोर्ट अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने घर में, अपने छोटे भाई बहन को मेरा चैनल जरूर रिकमेंड करें, ये आपका ही चैनल है और आप लोग आओगे एडमिशन लेके तो लास्ट ईयर बच्चों का अभी भी लड्डू उधार है, लेकिन आप लोग के साथ तो लड्डू का जो वो जो एक मेरा जो एक एम है, जो उद्देश्य है मारुति नंदन के दरबार में, वो हम लोग आपको खिला के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आपसे निवेदन है कि एज अ सपोर्ट आप वीडियोज अगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे और मुस्कुराते रहोगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव। काउंसलिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा रहता है, इसलिए मेरे कमिंग वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसमें भी चीजें कुछ कुछ छूटी होंगी जो कि मैं फर्दर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।